हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी आज है 17 जून और कल को 18 जून है, हानिया का बर्थडे है। बट कुछ भी मतलब सेलिब्रेट नहीं करना है, पर फिर भी वो शॉर्ट्स वगैरह देखती है ना, तो बर्थडे करती है, तो हम एवरी डे ही उसको ऐसे करते रहते हैं, हाँ हानिया का बर्थडे है, बर्थडे सॉन्ग गाते रहते हैं। तो अब उसका बर्थडे आ रहा है, पर मतलब बेटी है, इतनी चाहतों के साथ, दुआओं के साथ हुई है, तो दिल करता है कि हाँ कुछ करें, बट कुछ नहीं करना है क्योंकि यही टाइम होता है सीखने का, तो करना तो कुछ भी नहीं है। देखेंगे कहीं बाहर वगैरह जाना होगा तो चले जाएंगे। बट मम्मी मुझे कह रही थी कि उसी दिन बिल्कुल भी मत करो, उसको नहीं पता, अगर हम उसको बताएंगे तो फिर उसको आदत हो जाएगी। तो खैर देखते हैं क्या मतलब सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं है, ना ही मतलब ऐसा कुछ व्लॉग आएगा कि सेलिब्रेट करा या कुछ करा। बस मम्मी और भाई को मैंने बोला है कि अच्छा चलो ठीक है, तो उसको आदत ना हो। और मतलब मम्मी बल्कि मुझे डांट रही थी कि ज़िंदगी का एक साल कम होता है और तुम उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो एकदम सा अजीब सा हुआ। तो खैर कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह कल की देखेंगे क्या करेंगे। मतलब हमारे माइंड ना ऐसे बन गए हैं कि हम उसको ये नहीं देखते कि एक साल ज़िंदगी का कम हो रहा है, बल्कि ये तो एक मतलब फैक्ट है कि ज़िंदगी का एक साल कम हो रहा है। बल्कि मेरे मामा मुझे जब भी विश करते हैं, बचपन से मेरे मामाओं ने, मेरी खाला ने और मेरी फूफो वगैरह ने सबने मुझे विश कराया। तो मेरे मामा जो हैं वो तो हमेशा से, उनको मेरा बर्थडे याद था क्योंकि मैं पहली बेटी नहीं, पहली तो नहीं थी, दूसरी, हाँ पहली थी भूल गई, मैं पहली बेटी थी ननिहाल में। तो बहुत लाड से मुझे मतलब बचपन से मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करना और वो, पर जैसे जैसे दिन की मालूमात होती है तो मेरे मामा हैं तो वो एकदम हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते, वो कहते हैं ज़िंदगी के एक साल की एक ईंट गिर चुकी है, तो वो इस तरह से उसको बना के शेर और शायरी में मतलब इस तरह करते हैं, तो वो भी मतलब बहुत क्यूट लगता है। खैर कोई बात नहीं, सच्चाई है, बट फिर वो चीज़ फील नहीं होती, तो बस उसको कोई बात नहीं। और बस ब्लॉग में बनाऊंगी, पता नहीं क्या ब्लॉग बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि तबीयत भी ना कुछ टाइम से मेरी ठीक नहीं हो रही है, ऐसी नहीं कि कुछ ज़्यादा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सेहत सब कुछ सही है, माइग्रेन भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा है माशाल्लाह, कुछ टाइम से बस बोल दूँ अल्हम्दुलिल्लाह वरना वो कहते ही हो जाता है। तो बस ब्लॉग बनाऊंगी मैं, देखते हैं क्या होता है आगे। आज तो 17 है और अभी टाइम हो रहा है 6:10 हो रहा है, तो मैं फ्री बैठी हुई थी, कुकिंग वगैरह कुछ नहीं करनी थी। बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मा बर्गर, मैंने कहा नहीं कल को बनाऊंगी मैं, आज कुछ नहीं बना रही हूँ, बना हुआ रखा हुआ है दाल, तो मैंने वो कर दिया था कि नहीं मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी रखा हुआ है, फिर वो वेस्ट होगा, उनको कुछ स्नैक्स दूँ वगैरह कुछ करूँ, तो आज मेरी कुकिंग, तो आज मैं छुट्टी पर हूँ बिल्कुल, और सिर्फ राइस बनाने हैं वो मैं बना लूँगी, और बाकी कल को संडे है, बच्चों की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, और देखती हूँ कल को क्या बनाती हूँ, उनको बर्गर वगैरह मॉर्निंग में दे दूँगी, बस खाना जो नॉर्मल सा बनता है वो बना लेंगे, जो भी हस्बैंड बोलेंगे वो बना लूँगी मैं। तो जी बस यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी, दुआ मांग रही थी, और मैंने देखा कि जिंजर, मैं दुआ मांग रही हूँ और जिंजर बिल्कुल मेरे पास आ गई, तो मैंने जल्दी से अपना कैमरा, मतलब नमाज़ मुकम्मल हो गई थी, दुआ भी हो गई थी, तो मैंने जल्दी से कैमरा रखा और इसको दोबारा से कैप्चर किया, तो वो दोबारा से मेरे पास आके बैठ गई, उसको इतना फील हो रहा था ना, वो म्याऊं म्याऊं इस तरह हल्के हल्के कर रही थी, और बस उसके बाद वो मेरे पास ही बैठी रही, मेरे हाथ को वो किस करती रही। हाँ मम्मा रो रहे हैं और चुप करा दो मम्मा को, मम्मा शौली, वो कह रही है मम्मा शौली, ताकि मम्मा को कुछ भी फील ना हो ना, तो हानिया शौली बोल देती है ना हानिया। तो जी बस यहाँ पर फिर जिंजर को समझ में आ गया था कि ये तो ड्रामे कर रही है, इसको चुप कराने का कोई फायदा नहीं है, मैं बाद में इतना आवाज से भी रो रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वहां से हट गई। मतलब जानवरों में भी इतनी फीलिंग होती है कि वो पहली बार में देखते हैं ना कि मतलब कोई अपसेट है तो उसके पास आ जाते हैं। और जी बस ये था हमारा लंच जहाँ मैंने बनाए थे परांठे और शामी कबाब, और
मुझे शामे को आपके साथ ये पुदीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये रेसिपी तो सबको पता ही थी, खैर तो इस वजह से मैंने दिखाई नहीं, मेरे पास फ्रीज़र में रखे हुए थे तो मैंने वो निकाल के बना लिए। और ये बस यहाँ पर हानिया कर रही है सफाई बच्चों की, देखा देखी में वो भी करती है, उसको मतलब अच्छा लगता है सफाई करना, बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है अपने आप से ही माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला इसी तरह, मतलब ऐसे नहीं कि हम बच्चों से काम कराना चाहिए, बट बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, उनको अपने खुद के सारे काम आने चाहिए। क्या कर रखा है जिंजर को, छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ दो। हाँ तो पंजे तो मारेगी वो। तो जी बस नॉर्मल रूटीन से हटके आज मेरा दिल करा कि मैं ऐसे ही नॉर्मली आपसे बात करूं, और आज का ब्लॉग भी बहुत छोटा सा ही था, मुख्तसर सा था, और खाना वगैरह मैंने कुछ नहीं दिखाया। कभी कभी दिल होता है कि बस नॉर्मली बात करें, आपसे इंटरेक्ट करें। तो जब मैं इस तरह बात करती हूँ ना, ऑल दो कि मैं शूट कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, मैं उनसे मतलब बात कर रही हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं, और मतलब हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, तो इस तरह से। तो जी बस यहीं तक का था मेरा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।